आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और माननीय मंत्री महोदय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है क्योंकि इस कला मेले का ये उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय के शुभ कार्यक्रमों से होना है, आप सभी से निवेदन की कृपया शीघ्रता करें क्योंकि हम इस कार्यक्रम को संक्षिप्त और सारगर्भित रखना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन की कृपया आगे पधारें और मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नाथूलाल जी सर, नाथूलाल जी सर आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कृपया मंच पर पधारें। वंदे मातरम, नमस्कार। कला और संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार और राजस्थान ललित कला अकादमी और रविंद्र मंच सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 22वें कला मेले के अवसर पर हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत, मान मनोहर के साथ खमागणी, नमस्कार। बिहोल्ड वी नो नॉट एनीथिंग, आई कैन बट ट्रस्ट दैट गुड शैल फॉल at last far off, at last to all, and every winter will change into spring. देखो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है लेकिन हमें इतना विश्वास है कि अंत में शुभ आएगा, हो सुदूर अंतिम सीमा पर हर मानव उसको निश्चित पाएगा। शिशिर आज तो क्या वसंत फिर नहीं आएगा? ये उम्मीद, ये आशा, ये विश्वास जो इस मानव जाति को हमेशा से आगे बढ़ने और जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देता रहा है और इस आगे बढ़ने की प्रेरणा में और इस आगे बढ़ने की सतत प्रक्रिया में मानव का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने साथ दिया है तो वो है मानव के अंतर्निहित कला की वो भावना। जेम्स बेकन के शब्दों को लेकर के कहें तो आर्ट इज़ मैन एडेड टू नेचर, यानी कि प्रकृति में मानव के संयोग का नाम ही कला है और इस कला के परिश्रय से ही आज मानव जाति ने जिस तरह से अपने संकटों का सामना करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया है वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कला के इस महत्व को रेखांकित करता है। पिछले 2 वर्ष हमारे लिए बहुत चुनौती भरे रहे, मुश्किल भी कहेंगे तो साथ में चुनौती भरे रहेंगे क्योंकि हम बहुत बड़ी अनिश्चितता में जी रहे थे, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि वो अनिश्चितता के चुनौती भरे बादल छट चुके हैं और अब एक बार फिर से हमारे सामने मौका है कि कला और संस्कृति के इस मैदान में एक बार फिर से हम उतरें और अपने मानव जाति को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। आप इतनी बड़ी संख्या में कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले चाहेंगे कि एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ अपना स्वयं का स्वागत करें और आज के इस अवसर को सेलिब्रेट करें। आज के इस अवसर को और भी खास बना रही है हमारे बीच कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, राजस्थान सरकार के एक ऐसे सशक्त मंत्री जिनका आज राजनीतिक जीवन ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र से उनका परिचय भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। कला के हर क्षेत्र में, चाहे वो जैसलमेर की हवेलियों की बात हो, चाहे बीकानेर की कला जगत की बात हो, चाहे राजस्थान के किसी भी जगत के कला जगत की बात हो, डॉक्टर बीडी कल्ला साहब का व्यक्तिगत योगदान जिस तरह से कला जगत को रहा है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आज के इस अवसर पर हम आपको इस कार्यक्रम में पाकर बहुत धन्य अनुभव कर रहे हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश हर्ष, डॉक्टर रजनीश हर्ष सचिव ललित कला अकादमी। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वे माननीय मंत्री महोदय का आज के इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करें और हम सभी की ओर पे से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस अभिनंदन में अपनी सहभागिता अवश्य रखें। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री सैयद शिराज अली जैदी साहब, मैनेजर जवाहर रविंद्र मंच, जो इस पूरे आयोजन में एक उनके संयुक्त भागीदारी है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय मंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करें। श्री हरशिव शर्मा, प्रसिद्ध आर्ट क्यूरेटर और खुद एक प्रसिद्ध कलाविद, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम श्री हरशिव शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय मंत्री महोदय का आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री हरशिव शर्मा जी,
और जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया कि आज के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। आप बीकानेर में जन्मे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में आपने फाइन आर्ट्स किया, बीएफए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स आपने उदयपुर से किया और विशेष रूप से बीकानेर के रियासतकालीन हवेलियों और भवनों में वुड कार्विंग पर आपने शोध किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर वी वी रशेल, जो बांग्लादेश से संबंध रखती हैं, उनके साथ खादी कोटा डोरिया प्रोजेक्ट से आप जुड़े रहें और लंबे समय तक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहे। हम सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया मंच पर पधारें और आज के इस अवसर पर माननीय अतिथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा हमारे सामने रखें। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। माननीय मंत्री महोदय और मंच पर आसीन सभी मंचासीन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस कला मेला परिसर में जितने भी हमारे कलाकार बंधु और कला प्रेमी जो आज आए हुए हैं, उन सबका मैं राजस्थान ललित कला अकादमी और रविंद्र मंच सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ कि आज वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया। मैं रविंद्र मंच सोसाइटी के प्रबंधक श्री सिराज अली जी सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें ये जगह दी जिस पे हमने आज कला मेला परिसर लगाया है, और सभी मीडियाकर्मी और कला मेला समिति के संयोजक और पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूँ कि वो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कला मेला को सफल बनाने में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस विशिष्ट आयोजन के लिए। जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया कि आज के इस मेले के आयोजक के कला मेला संयोजक के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री हर्षिव शर्मा, जो खुद एक सुप्रसिद्ध पेंटर हैं। कला शिक्षा से आप लंबे समय तक आपका जुड़ाव रहा है और एक और विशेष बात का जिक्र, आपने से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित परेड में राजस्थान की झांकी तैयार करने में 1998 से ही उनका बहुत विशिष्ट योगदान रहा है और आज के इस मेले में वे कला मेला संयोजक के रूप में हमारे साथ हैं। श्री हर्षिव जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे इस कला मेला के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम सभी के सामने रखें। श्री हर्षिव शर्मा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, श्रीमान कल्ला साहब, मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान एवं मंचासीन, समस्त अतिथिगण, अधिकारीगण और कलाकार बंधुओं, आप सभी का कला मेला प्रांगण में अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक अभिवादन। जैसा कि हम सभी को विदित है, राजस्थान ललित कला अकादमी प्रतिवर्ष विभिन्न गतिविधियों द्वारा कला के अनेक स्तरों पर प्रोत्साहित करने के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाती रही है। इसी क्रम में राजस्थान ललित कला अकादमी ने अब तक अनेक कला मेलों का आयोजन कर कलाकारों को प्रोत्साहित किया है। कला मेला प्रमुख रूप से राज्य के कलाकारों का कुंभ कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। यहाँ हर छोटे एवं बड़े कलाकार को अपने सृजन कार्य को प्रदर्शित करते देखा जा सकता है। यहाँ कलाकारों को सीखने और सिखाने के लिए बहुत माकूल वातावरण मिलता है। इस बार कला मेले में लगभग 130 स्टॉल्स हेतु आवेदन एवं प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई, जिसे देखकर लगता है कि कोरोना महामारी के कारण हुए एक लंबे अवसर के पश्चात सभी में बड़ा उत्साह भरा है। इतनी संख्या में आई प्रविष्टियों को हमने मौजूद जगह एवं उपलब्ध स्थान के अनुसार भरसक प्रयत्न किया कि सभी को स्टॉल आवंटित हो सके। इसमें 107 स्टॉल्स से में लगभग 500 कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित है। मैं सम्मानित अतिथियों एवं सभी माननीय कलाकारों का यहां अभिवादन, आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच हर्षिव सर। इस 22वें कला मेले में जैसा कि हमने आपको बताया कि सहभागिता है रविंद्र मंच सोसाइटी की और आज के इस कार्यक्रम में अब मेहमान कहें या मेज़बान कहें, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री सैयद शिराज अली जैदी साहब, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपनी प्रशासनिक शैली और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं और इस समय एक कला प्रेमी होने के नाते इस समय रविंद्र मंच के प्रबंधक का उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने दो शब्दों से लाभान्वित करें। श्री सैयद शिराज अली जैदी साहब। मैं स्वागत करता हूँ परम सम्मानीय पिता तुल्य
श्रद्धेय, जनता के दिलों पर राज करने वाले, बहुत ही सहज, सरल और निर्मल हृदय आप व्यक्ति हैं, और आपके बारे में कोई भी परिचय देने का दुस्साहस करना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। मैं रविंद्र मंच, ललित कला अकादमी दोनों की ओर से स्वागत करता हूं बहुत ही जानी मानी शख्सियत, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री बी डी गल्ला साहब का। मैं स्वागत करता हूं श्री रजनीश हर्ष, आप सचिव हैं राजस्थान ललित कला अकादमी आपका। श्री विनय शर्मा जी, जो लंबे समय से आर्ट, विजुअल आर्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अभी वर्तमान में प्रदर्शनी अधिकारी हैं ललित कला अकादमी, आपका स्वागत करता हूं। श्री हर्षिव शर्मा, जो हमारे इस 22वें कला मेले के संयोजक हैं, वरिष्ठ चित्रकार हैं, आपका स्वागत करता हूं। श्री नाथूलाल जी, आप बहुत ही वरिष्ठ चित्रकार और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं, आपका इस परिसर में स्वागत करता हूँ। श्री मौज़म अली जी, उर्दू के जाने माने शायर और विद्वान हैं, आप सचिव हैं राजस्थान उर्दू अकादमी और सचिव हैं आप ब्रज भाषा अकादमी के। ये 22वां कला मेला कोरोना के बाद में जो एक उदासीनता पैदा हो गई थी पूरे माहौल में, जो एक निराशा का माहौल पैदा हो गया था, उसको दूर करते हुए ये एक संयुक्त प्रयास है माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से कि कलाकारों को एक बेहतर मंच उपलब्ध करवाया जाए, ताकि लोग जो दो साल का एक कहेंगे कि बहुत ही स्टैग्नेंट सा पीरियड आ गया था, उसके बाद में आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो जनता के सामने आ सकें। और इस मेले की जो सबसे अच्छी जो बात है वो है इसकी सौंदर्यता, इसकी सरलता। आप देखें कि बहुत बड़े बड़े, मतलब ना सिर्फ राजस्थान के बल्कि पूरे भारत के जो बड़े बड़े चित्रकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और हमने ये भी एक प्रयास किया है कि प्रत्येक दिन 9 मार्च से 14 मार्च तक एक सांस्कृतिक संध्या का यहाँ आयोजन होगा, और उसमें अलग अलग किस्म के कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जो हैं वो अलग अलग दिन हम यहाँ करेंगे। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप बड़ी संख्या में उसमें पधारकर इस कला मेले का लुत्फ लें, आनंद उठाएं, अपना जो कला के प्रति दृष्टिकोण है उसको विकसित करें, और साथ ही जो समय समय पर हर शाम को जो सांस्कृतिक संध्या ललित कला अकादमी, उर्दू अकेडमी, ब्रजभाषा अकेडमी, रविंद्र मंच द्वारा जो संयुक्त रूप से आयोजित होने जा रही है, उसका आप आनंद लें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है कि हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करें आज के हमारे इस कार्यक्रम के और इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, माननीय मंत्री महोदय, कला एवं संस्कृति विभाग के आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर बी डी कल्ला साहब। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। 22वां कला मेला 9 से 14 मार्च तक यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसके उद्घाटन के अवसर पर आप लोगों के बीच में आकर मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कोविड ने हम सब लोगों को, पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को परेशान किया, और ख़ास तौर से जो हमारे कलाकार बंधु थे उनको तो विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा। सारी एग्जीबिशन नहीं लग रही थी, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, और कई जो संगीत वगैरह से संबंधित लोग जो है, परफॉर्मिंग आर्ट के लोग थे, उनको तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हुई। तो उसके बाद आज हम इस दौर से निकल कर आज आए हैं। मुझे खुद को एक बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि आज एक साथ इतने आर्टिस्ट, करीब 107 स्टॉलों में 500 से अधिक आर्टिस्टों की कलाकृतियाँ एक साथ देखने को मिलेंगी, और उसके बाद मंच पर विराजे हुए डॉक्टर रजनीश जी, हर्ष सैयद, सिराज अली जैदी जी, हर्षिव शर्मा जी, नाथूलाल जी वर्मा, श्री विद्यासागर जी उपाध्याय, श्री विनय शर्मा जी, श्री मौजम अली जी, विनय शर्मा जी का नाम ले लिया मैंने, कोई राह तो नहीं, और उपस्थित सभी भाइयों, बहनों और कलाकार साथियों,
और पत्रकार बंधु, दरअसल आप लोग रंगों के माध्यम से दुनिया को बना सकते हैं। जो आपके मन में कल्पना आई उस कल्पना को आप साकार कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई कलाकृतियां कलाकार के नाम से पहचानी जाती है, कोई पोर्ट्रेट बना रहा है, कोई केवल ब्लैक स्याही से ही अपनी कलाकृति बना रहा है, कोई जो है वो एक तरह से किले बना रहा है, तो कोई गढ़गढ़ैया बना रहा है, तो कोई झोंपड़े बना रहा है, कोई लाइफ स्टाइल बना रहा है। सब कलाकारों की एक अलग पहचान अपने आप में होती है और उसके माध्यम से ख़ास तौर से राजस्थान में और जयपुर विशेष रूप से, वैसे तो सब जगह हमारे यहाँ किशनगढ़ की बनी ठनी प्रसिद्ध है, तो बूंदी की शिकार से संबंधित कलाकृतियाँ प्रसिद्ध है, मेवाड़ की चित्रांकन परंपरा अपने आप अनूठी है, इसी प्रकार हमारे यहाँ बीकानेर में कैमल हाइट के ऊपर, कैमल चमड़ी के ऊपर या लकड़ी के ऊपर सुनहरी कलम की पेंटिंग, वो अपनी अलग उस्ता कला आर्ट अपनी अलग पहचान रखती है। ऐसे ही सब जगहों की, मैं जिसका नाम लूँ वो नाराज ना होना, सारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग पहचान बनी हुई है, जयपुर की विशेष पहचान है। और हमारे नाथद्वारा में जाएं तो नाथद्वारा में आप देखिए कि जो पिछवाई की परंपरा अपने आप में अनूठी है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग पहचान है और उसमें आप आज यहाँ देखेंगे कि इसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग जो कलाकृतियाँ बनाई है वो देखते ही बनती है। रंगों का अद्भुत संयोग, मॉडर्न पेंटिंग्स, ये सारी कलाकृतियाँ आपकी पहचान को परिलक्षित करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जैसे पिछली एग्जीबिशन में जब आया था तो मैंने ये कहा था कि एक राज्य स्तरीय कमेटी इसी 31 मार्च को समाप्त होने वाले बजट में 5 लाख रुपए की कलाकृतियाँ खरीदेंगी और राज्य सरकार को देगी। अगले बजट में भी कम से कम 5 लाख रुपए का तो प्रावधान ही है जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इसको बढ़ाने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम अगले बजट में भी इतना रुपया तो मैं रखूँगा ही रखूँगा। और मेरी ये कोशिश है कि हमारे कलाकार आगे बढ़ें, हमारे कलाकार जो हैं वो निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर पथारूढ़ हों। मैं आपको एक 84 की घटना बताता हूँ। मैं और एक हमारी गौरी पूनिया जी, जो हमारी माता जी के समान थी, अब दुनिया में नहीं है, हम दोनों मास्को गए, लेटविया गए, रीगा गए, ताशकंद गए। वहाँ पर दो पति पत्नी रशियन आए हमारे पास, तो मैंने उनसे कहा वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, तो उन्होंने कहा वी वुड प्रेफर टू टेक कॉफ़ी। तो मेरे को, उनको हिंदी नहीं आती थी, हम लोगों को क्या था कि ये कहा गया था कि आपको यू नो रूबल इज ए हार्ड करेंसी, उन दिनों में रूबल को हार्ड करेंसी मानते थे लेकिन थी नहीं। उन्होंने कहा कि आपको वहाँ मिल जाएगी, मिली नहीं। 7वां 8वां दिन था तो मेरे को ये किस्सा याद है कि माता जी ने कहा कि घर में नहीं अखतरा बीज बेटो खेले आखा दीज, कि आपने कॉफ़ी का कह दिया, पैसे कहाँ हैं तेरे पास। मैंने कहा वो $20-40 ऑन बोर्ड दिए थे वो पड़े हुए हैं, मैंने खर्च नहीं किए हैं। तो कि चलो बिल आए तब देखना, $27 लग गए उसमें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, $27 मुझे ऐसा लगा कुछ भी नहीं लगा। उन दोनों पति पत्नी ने हमारे स्केच बनाए, कॉफ़ी आई तब तक हमारे स्केच बना दिए, वो आज भी मेरे पास मौजूद है और वो इतने कि उसकी कोई मतलब कीमत नहीं है, आर्ट की कोई कीमत नहीं होती। इसी प्रकार एक बार मेरी खुद की दोही थी जो लंदन में MBBS फाइनल ईयर में है, एक दिन दरी नुमा एक कोई लेकिन मैंने ये दरी वहाँ से क्यों लाई यार, हिंदुस्तान में बहुत मिलती है, तो कहीं ले आई पसंद आ गई, ऐसे के खोल के दिखाया तो मेरा और मेरी पत्नी का पोर्ट्रेट बनाया। मैंने कहा ये तैने तो नहीं बनाया, कि नहीं मैंने अभी बना दूं मैं, और देखते ही देखते मेरा पेंसिल का स्केच खींच दिया। तो कहने का मतलब ये होता है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हो, आप लोगों में जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं
हर आदमी बचपन से आंसू कवि, आंसू लेखक, आंसू चित्रकार, आंसू कलाकार होता है, लेकिन उसको नैसर्गिक प्रतिभा को उभारने की आवश्यकता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग खुद भी आगे बढ़ेंगे और अपने शिष्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए, दुनिया में दो लोग ऐसे होते हैं, एक तो माता पिता, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े, और एक गुरु भी चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़े, तब उनको खुशी होती है। तो आप अपनी विद्या को पास में मत रखना, क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों घटे और बिन खर्चे घटी जात। इसलिए खर्च करना चाहिए, सिखाना चाहिए, जो योग्य पात्र शिष्य है उसको विद्या को सिखाना भी चाहिए। तो भाषण तो मैं बहुत लंबा दे सकता हूँ, आप जानते हैं, असेंबली में देते रहते हैं हम, लेकिन आप लोगों के सबके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुख भाग भवेत। आप सब का मंगल हो, सब सुखी रहें, निरोग रहें, और उत्तरोत्तर कला की प्रगति के लिए और अपनी प्रगति के लिए पथारूढ़ होते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन को निश्चित रूप से संक्षिप्त रखा, लेकिन जिन संक्षिप्त शब्दों में ही उन्होंने कलाकारों के लिए जिस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो कला जगत के लिए एक बहुत अच्छी उम्मीद को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हम आपके इन शब्दों के लिए और आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। और अगला जो कार्यक्रम है वो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा, जिनके नाम से, जिनके कृतित्व से आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। उनके एक रेखांकनों की पुस्तक का विमोचन किया जाना है, लेकिन उससे पहले, इस विमोचन से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच मौजूद दो अन्य वरिष्ठ कलाकार, श्री विद्यासागर जी उपाध्याय और श्री समंदर सिंह जी कंगारोत सागर साहब से, कि वे इस विमोचन समारोह में हमारे साथ मौजूद रहें। कृपया मंच पर पधारें और आपके सान्निध्य में माननीय मंत्री महोदय और हमारे अन्य माननीय डिग्निटीज की तरफ से वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा द्वारा बनाए गए रेखांकनों की पुस्तक का ये विमोचन इस समय हमारे और आपके साथ किया जाना है। हमारे माननीय दो कलाकार हमारे साथ पधार चुके हैं। चाहेंगे कि आप सभी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन में इसका स्वागत करें, ये जो माननीय अतिथियों के द्वारा इस समय किया गया है। डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा की बनाई हुई इस रेखांकनों की पुस्तक का विमोचन इस समय हमारे और आपके समक्ष माननीय मंत्री महोदय और हमारे अन्य डिग्निटीज की तरफ से किया जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन लगे, फिर बता देंगे सर। हेनरी जेम्स ने एक बार कहा था कि आर्ट इज नथिंग मोर देन द शैडो ऑफ ह्यूमैनिटी, कला मानवता की छाया मात्र है, और निश्चित रूप से कला का प्रश्रय मानवता के प्रश्रय के समान है। और आज के इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री विनय शर्मा, प्रदर्शनी अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी, जो खुद एक सुप्रसिद्ध चित्रकार और प्रिंट मेकर और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, कि वे मंच पर पधारें और आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री विनय शर्मा जी। परम श्रद्धे आदरणीय कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, आदरणीय नाथूलाल जी वर्मा साहब, रजनीश जी, हरशिव जी, मोजम अली जी, जयदी साहब और उपस्थित सभी कलाकार बंधु, परम श्रद्धे उपाध्याय जी, सागर साहब, मीनू जी, कैलाश जी, कला मेला है, कला का मेला है, हम सबका मेला है, हमारे अंदर जो उमड़ घुमड़ कर चीज़ें आती है उनका मेला है, और उसका आनंद लेने के लिए हम यहाँ आते हैं। ललित कला अकादमी का यह प्रयास रहा है हमेशा कि हम किस तरह, किस माध्यम से आप सबके मन में प्रसन्नता ला सकें। कला मेला इसी का एक उदाहरण है, एक कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री महोदय जी का,
गई बार भी इनके आगमन से कला मेला की शुरुआत हुई थी और वो इतना सफल रहा था आपकी उस घोषणा से जो पहली बार किसी सरकार के मंत्री ने की थी 5 लाख रुपए की कृतियां खरीदने की, और इस बार भी आपने आश्वस्त किया है 5 लाख नहीं 5 लाख से अधिक की कृतियां खरीदने के लिए। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है और सफलता मेले की सफलता का एक शुभारंभ भी है। इस तरह के आश्वासन निसंदेह कलाकारों को बड़ा उत्साह वर्धन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, कलाकार जगत आपका आभारी रहेगा। हमारे बीच आज रविंद्र मंच सोसाइटी के मैनेजर जयदी साहब, एक उत्साह भरने वाले अधिकारी। ये मेला हमारा यहाँ करने का मन नहीं था इस बार, मैं स्पष्ट कहूँ। ये जयदी साहब का आग्रह था कि नहीं, मैं सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराऊँगा, स्टाफ से जितना मैं सहयोग दे सकता हूँ उतना, ये जगह स्थान बिजली सब आपको मुफ्त उपलब्ध कराएंगे, और इसी वजह से ये आयोजन हमने यहाँ किया। जयदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मौजम अली जी, उर्दू अकादमी के सचिव और प्रख्यात शायर, किसी भी कला आयोजन में आपका सहयोग सकारात्मक रहा है। इस मेले में भी आज साय का आयोजन, आज का जो नाटक मंचन है वो आपके माध्यम से ही, उर्दू अकादमी के माध्यम से हो रहा है, और 13 तारीख को एक बेले ब्रज भाषा अकादमी के, कल ब्रज अकादमी के सहयोग से बेले कार्यक्रम है। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे उत्साही सचिव रजनीश जी हमेशा उत्साहित रहते हैं अच्छे आयोजनों के लिए, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हरशिव जी कई कला मेले कर चुके हैं और सारी कठिनाइयों से और जो भी वो हैं उन सबसे वाकिफ हैं और प्रूफ हो गए हैं कलाकारों के मार सहने के। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे आग्रह को आप स्वीकार करते हैं। परम श्रद्धेय नाथूलाल जी वर्मा, आपका वर्द हस्त हमेशा हमें मिलता रहता है, आपके रेखांकन हमेशा हमको प्रेरित करते हैं। अकादमी आज सौभाग्यशाली है कि आपकी इस पुस्तक का हमने विमोचन किया, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आभार हकीकत में आप सबका, आपके आगमन से ही ये आयोजन सफल हुआ है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं सही कहता हूँ कि इस आयोजन में बहुत खामियां रही, आप लोगों को बहुत परेशानियां हुई, स्टॉल आवंटन से लेकर कई चीज़ों में हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमारा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं होता है, भाग्यवश कई चीज़ें हो जाती हैं जो आज भी हुई होंगी, हम सभी क्षमा चाहते हैं आपसे। मैं खासकर इस कला मेले समिति के सभी सदस्य, हरशिव जी तो संयोजक हैं, खुश नारायण जी, श्वेत गोयल जिन्होंने इस आयोजन को सुंदर बनाने में अपना भरपूर प्रयास किया है, रंगोली और सब आपके माध्यम से हुई है, राजेंद्र प्रसाद जी, गौरी शंकर जी, संगीता सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं समझता हूँ आज मंत्री महोदय के आगमन से और आपके इस उद्घोषणा से निश्चित रूप से हमारा ये आयोजन सफल होगा। 7 दिन हम सबको आनंदित करते रहेंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन तक निरंतर शाम को कोई न कोई सांस्कृतिक संध्या है, जैसे मैंने आपको बताया आज उर्दू अकादमी, कल ब्रज भाषा अकादमी, रविंद्र मंच सोसाइटी की तरफ से कथक डांस यहाँ होगा, संगीत सभा, क्योंकि फोक आर्टिस्ट कई दिनों से बड़े वो हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी मंच मिले। अकादमी ने चाहा है कि एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक कलाकारों को लेकर करें, इस तरह 7 दिन तक लगातार कोई न कोई कार्यक्रम शाम को होता रहेगा, साथ ही आपको हजारों कलाकृतियाँ यहाँ देखने को मिलेगी। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए स्थान ग्रहण करता हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में इन शब्दों के साथ कि कुछ इम्तहान गुजरे, कुछ इम्तहान बाकी, एक आसमान से आगे 100 आसमान बाकी, ये कला मेला जो 22वां आयोजित किया जा रहा है ये एक शुरुआत है, कलाकारों को बहुत बड़ी एक कीर्तिमान स्थापित करने हैं। आज के इस अवसर पर हमारे साथ पधारे माननीय मंत्री महोदय और हमारे सभी माननीय अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं, और इस उम्मीद में आप सभी कलाकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कितनी बड़ी संख्या में इन युवा कलाकारों ने अपनी सहभागिता निभाई है। और
उम्मीद करते हैं कि आने वाले 7 दिन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज के इस अवसर पर कला और संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार, राजस्थान ललित कला अकादमी और रविंद्र मंच सोसाइटी की ओर से मैं गौरव शर्मा एक बार पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये मेरा नाम है। आपने नॉमिनेशन किया था। हाँ, सृष्टि करती है।
जी जी बच्चों के अभ्यास होता है।